8 साल पहले सूबे की तत्कालीन मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रीता बहुगुणा को गिरफ्तार कर मुरादाबाद जिला महिला कारागार में रखा गया था। वर्तमान सरकार में महिला कल्याण मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंची हैं। तो सबसे पहले जिला महिला कारागार का निरीक्षण करने गई। कारागार में महिला कैदियों के मामलों की पैरवी और उनके स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही रीता बहुगुणा ने 8 साल पहले का अनुभव भी साझा किया। 2010 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सूबे की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर टिप्पणी करने के मामले में रीता बहुगुणा को गिरफ्तार किया गया था और मुरादाबाद महिला कारागार में 4 दिन रखा गया था। वर्तमान भाजपा सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा आज मुरादाबाद पहुंची तो सबसे पहले जिला कारागार का निरीक्षण करने गईं और उन्होंने पहले के मुकाबले वर्तमान के हालातों को संतोषजनक करार दिया। रीता बहुगुणा के मुताबिक जिला कारागार में बैरकों की कमी है और छोटे कमरों में 30 से 35 महिला कैदी अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। 8 साल पहले के अनुभव को याद करते हुए रीता बहुगुणा ने कहा, उस वक्त बैरकों में काफी चूहे थे और वह महिला कैदियों को काटते भी थे। साथ ही कारागार के टॉयलेट काफी गंदे हुआ करते थे। महिला कल्याण मंत्री ने कारागार अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छोटे और जमानती अपराध में बंद महिलाओं की सूची तैयार कर दें। रीता बहुगुणा ने कहा कि जमानती अपराधों में बंद महिलाओं की रिहाई के लिए कोर्ट से अपील की जाएगी। साथ ही जेल में बंद महिलाओं के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए समाज सेवी संगठनों की मदद से उन्हें रोजगार के लिए तैयार भी किया जाएगा। स्मरण होगा कि 2010 में मुझे मायावती जी के कार्यकाल में मुरादाबाद जेल में रहना पड़ा था और लगभग 4 दिन में वहाँ रही और उस समय कहते थे ट्रांजिट जेल है और इसकी बहुत दुर्दशा थी। खासतौर से जो महिला बंदीगृह है उसमें बहुत ही बुरी हालत थी। तो मैं आज देखने आई थी क्योंकि बीच में मैंने बहुत लिखा पढ़ी करी पूर्व सरकार में भी अपनी सरकार में भी कि सुधार होना चाहिए, मुझे बताया गया था सुधार है। तो मैं आज वो ऐसी औचक देखने चली गई थी। तो पहले से तो स्थिति बेहतर है लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ करीब करीब 125 महिलाएं हैं लेकिन जिन परिस्थितियों में हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। 40x25 का या 20 का कमरा होगा और एक एक कमरे में 30-35-40-40 महिलाएं ज़मीन पर लेटी हैं और एक दर्जन से ज़्यादा छोटे बच्चे, गोद के बच्चे 2-3 साल के अंदर के भी वहाँ हैं। पहले से अच्छा इसलिए भी है क्योंकि शौचालय बन गए हैं, स्नानगृह बन गए हैं लेकिन वहाँ खुली ज़मीन है ही नहीं, बहुत कम, एक पतली सी खुली ज़मीन है, मेरे ख्याल से 15x30 फुट होगी। अब उसमें ना बच्चे खेल सकते हैं ना महिलाएं कोई अपना रिक्रिएशन कर सकती हैं। तो मैंने ये भी अभी देखने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम इस बंदी गृह में अपने महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय के माध्यम से महिलाओं का कौशल विकास कराएंगे। अभी तक महिलाओं को सिर्फ कढ़ाई बुनाई होता है, वहाँ पर कुछ महिलाएँ 2-3 मशीनों पर कुछ झोले वोले सिल रही थी। तो अब नए परिस्थितियों में उन्हें क्या क्या कौशल विकास के लिए उनकी इच्छा अनुसार उनके मन से उनसे बात करके हम बहुत शीघ्र शुरू करेंगे।